subscribe my channel and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों, आज शुरू बात करने वाले हैं सलमान भाई की फिल्म बजरंगी भाईजान, जो कि चाइना में रिलीज हो रही है 2 मार्च को 8000 स्क्रीन्स पे। और इसका एक मैंने कल वीडियो बनाया था इवनिंग में, जिसमें बताया था कि इसकी एडमिशन, इसकी शोज, इसके पर टिकट कॉस्ट जो है कितनी चल रही है, वो सभी मैंने उसमें बताया था। और ये भी बताया था कि ये इस फिल्म की कितनी जबरदस्त इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। लेकिन मैंने अभी एक मुझे न्यूज मिला है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे, और बहुत ही बड़ी खुशखबरी न्यूज है, क्योंकि इतनी जबरदस्त और इतनी जबरदस्त रफ्तार से चल रही है कि आप देख के चौंक जाओगे कि इसकी एडमिशंस और कितनी जबरदस्त जो है शो बढ़ चुका है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो है कल इवनिंग में जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि 2488 जो है एडमिशन चल रहा है, वहीं शो जो है 1390 चल रहा है, और पर टिकट कॉस्ट जो है 5.43 चल रहा है। ये जो है 2 मार्च का रिपोर्ट है, और डेफिनेटली ये जो है अगर 2 मार्च को फिल्म रिलीज होगी तो दूसरे नंबर तक पहुंच जाएगी। हालांकि गर्लफ्रेंड 2 जो है वहाँ की फेमस फिल्म है और डेफिनेटली उसको टक्कर देगी ही। और चलिए अब की रिपोर्ट की बात कर ली जाए, दोस्तों दिखाता हूँ अब का रिपोर्ट जो क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं ये चाइनीज वेबसाइट है, और मैं आपको नीचे ले चलता हूँ बजरंगी भाईजान का जो ये देख सकते हैं रिपोर्ट है। और 2400 से बढ़ के अब जो है एडमिशन 2713 तक पहुंच गया है, वहीं सोच जो है वो भी बढ़ चुका है, और पर्टिकुलर कॉस्ट देख सकते हैं। तो इसका जो है अब जो इतनी जबरदस्त, और 24 घंटे भी नहीं हुए न्यूज मुझे बताए हुए, क्योंकि इवनिंग में बताया 2400 कुछ जो है इसके एडमिशन चल रहे थे, और अब जो है शोइंग्स भी बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस रफ्तार से ये चल रही है, इसकी वहाँ पे एडमिशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी रफ्तार से अगर इतना ही बढ़ती रही तो सेकंड नंबर पे डेफिनेटली ये फिल्म जो है पहुंच जाएगी, और गर्ल्स 2 को जो है टक्कर देने में डेफिनेटली कामयाब रहेगी। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो सलमान भाई की जो फिल्म है चाइना में ब्लॉकबस्टर होगी। और हाल ही जो भी फिल्म रिलीज हुई, जैसे कि दंगल हुआ, सीक्रेट सुपरवार, कितना जबरदस्त वहाँ पे कलेक्शंस किया, और डेफिनेटली ये भी फिल्म जो है कलेक्शंस करेगी, क्योंकि इंडिया में ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर थी, 300 करोड़ का कलेक्शंस किया था, वहीं ये फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड जो 600 करोड़ का कलेक्शंस किया था। तो डेफिनेटली ये चाइना में भी अच्छी कलेक्शंस करेगी, क्योंकि अभी जो हाल ही वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है, उसका जो रिव्यू है वो भी बहुत अच्छा आया है, और काफी सारे स्क्रीनिंग्स भी वहाँ चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग्स चल रही है। हालांकि एक और वहाँ स्क्रीनिंग होने वाली है 25 फरवरी को, तो उस दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि उस दिन के बाद से जो है और भी एडमिशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 2 मार्च को देखते हैं ये फिल्म जो है कितनी कलेक्शंस कर पाती है। अगर पहले दिन अगर बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिली तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं दे सकता। वहीं सलमान भाई चाइना में इस फिल्म को लेकर डेब्यू भी करने जा रहे हैं, और फिल्म के लिए गुड रिस्पॉन्स आ रही है कि इसकी जो एडमिशन है वो ताबड़तोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आगे जैसे भी रिपोर्ट आते रहेंगे हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। आप अगर नए विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।